वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस पसंदीदा चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड पावर की सीरीज, और आज का टॉपिक आपका है वर्ल्ड पावर 63। और आज के वर्ड हैं, फटाफट नोट करें। फर्स्ट वर्ड प्रिवेल, प्रिस्टीन, प्रोडिगल, प्रोडिजियस, प्रोडिजी, प्रोफेन, प्रोफेस, प्रोफिशिएंट, प्रोफ्लिगेट, प्रोफाउंड। तो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर टुडे। आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये वो वर्ड्स हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं। हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स का मतलब है कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज कॉम्पिटिशन। सभी कॉम्पिटिशन के लिए बहुत जरूरी हैं। और जैसा कि अपने प्रीवियस कई वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे जरूरी चीज होती है वो आपकी वोकैबुलरी होती है, आपका वर्ड पावर होता है। और वर्ड पावर को हमें कैसे इंप्रूव करना है, रट्टा नहीं मारना है, हमें एटिमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा वर्ड फॉर्मेशन पर काम करना है। वर्ड बनते कैसे हैं, तो आपको पता है आपके वर्ड बनते हैं जिसमें रूट वर्ड होता है, उसके पहले कुछ जोड़ा जाता है जो आपके प्रीफिक्स कहलाती है, लास्ट में कुछ जोड़ा जाता है जो आपका सफिक्स कहलाता है, और इस तरह से हम अपने वर्ड्स को तैयार करते हैं। और अगर हमें रूट नहीं पता है तो हमारे पास एक और तरीका होता है वर्ड को तैयार करने का, वो है निमोनिक बना करके या माइंड मैपिंग करके। मतलब होता है एक वर्ड के बारे में कोई ना कोई कहानी बनाना और उस कहानी को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट कर देना, लिंक कर देना। तो आइए, और हमें सिर्फ इन वर्ड की मीनिंग ही नहीं पढ़नी है, हमें सफिक्स से ये भी पता करना है हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जिससे को हम इसको मीनिंगफुल्ली एक सेंटेंस में यूज कर सकें। क्योंकि वर्ड की मीनिंग के साथ साथ उसका यूज करना, सेंटेंस फॉर्मेशन भी बहुत जरूरी होता है। तो ये पहला वर्ड, योर फर्स्ट वर्ड इज प्रिवेल। बच्चों प्रिवेल का मतलब होता है टू ट्रिम्फ। ट्रिम्फ होता है जीत लेना, TRIUMPH, ट्रिम्फ होता है जीत लेना। यह कह सकते हैं इसका मतलब होता है ओवरकम राइवल्स। आपके जो राइवल्स हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, उन पर विजय पा लेना, मतलब होता है प्रिवेल करना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। यूज कैसे करेंगे, जैसे बहुत बढ़िया है, इफ वी आर यूनाइटेड ड्यूरिंग दिस क्राइसिस वी कैन प्रिवेल COVID-19 या वी कैन प्रिवेल कोरोना। अगर हम यूनाइटेड होते हैं, एक होते हैं, तो हम सब मिलकर के कोरोना को जीत सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे, वी कैन प्रिवेल कोरोना। और इफ वी आर एबल टू प्रिवेल कोरोना देन वी विल बी कॉल्ड प्रिवेलेंट या वी विल बी प्रिवेलेंट। तो बच्चों प्रिवेल का एडजेक्टिव बन जाता है प्रिवेलेंट, प्रिवेलेंट हो जाता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। आपका नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रिस्टीन। प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना है। प्रिस्टीन का मतलब होता है ओरिजिनल, ORIGINAL, ओरिजिनल। यह कह सकते हैं अनस्पॉइल्ड, USPOILED, अनस्पॉइल्ड। यह कह सकते हैं प्योर। तो जो चीजें बच्चों प्योर हैं, शुद्ध हैं, स्पॉइल होता है खराब करना, अन लगा दे, इसको खराब ना किया गया हो, या ओरिजिनल कहलाता है, तो वो हो जाता है प्रिस्टीन कहलाता है, ओरिजिनल असली, जिसको छेड़छाड़ ना किया गया हो। अगर आपको कुछ असली प्रोडक्ट मिल जाता है तो आप कह सकते हैं दिस इज द प्रिस्टीन प्रोडक्ट, यानी ओरिजिनल प्रोडक्ट। जैसे अगर आपके पास कोई असली CD है तो आप कह सकते हैं कि आई हैव अ प्रिस्टीन CD। आपके पास अगर जैसे मार्कर असली है, ओरिजिनल है, तो दिस इज अ प्रिस्टीन मार्कर। तो प्रिस्टीन मीन्स होता है ओरिजिनल या असली। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची, या कह सकते हैं WASTE, वेस्ट फुल्ली एक्स्ट्रावेगेंट, EXTRAVAGANT, वेस्टफुल्ली एक्स्ट्रावेगेंट। और इसका अपोजिट होता है इकोनॉमिकल, ECONOMICAL। तो बच्चों इकोनॉमिकल होता है कम खर्च करने वाला,
और प्रोडिगल होता है ज्यादा खर्च करने वाला, फिजूल खर्चे। जैसे इफ अ चाइल्ड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी देन यू कैन कॉल हिम अ प्रोडिगल। अगर कोई बच्चा बहुत पैसा खर्च करता है तो आप क्या कहलाओगे उसको, क्या कहोगे उसको, प्रोडिगल। और प्रोडिगल का नाउन हो जाता है प्रोडिगलिटी, क्या हो जाएगा, प्रोडिगलिटी। और अपोजिट क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल, कम खर्च करने वाला। यानी इफ यू स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी देन यू आर प्रोडिगल, इफ यू डोंट स्पेंड मनी, इफ यू स्पेंड्स मनी प्रॉपरली देन यू आर इकोनॉमिकल। बच्चों नेक्स्ट वाला आपका है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ई एक्स टी आर ए ओ आर डी आई एन ए आर वाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। या कह सकते हैं इनॉर्मस, ई एन ओ आर एम ओ यू एस, इनॉर्मस मतलब विशाल, ह्यूज या असाधारण कहलाता है प्रोडिजियस। जैसे अगर कोई व्यक्ति असाधारण क्षमता रखता है तो आप कह सकते हैं कि ही इज अ प्रोडिजियस, वह एक प्रोडिजियस है। यानी प्रोडिजियस इज पर्सन इज वन हु हैज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, जिसके पास असाधारण टैलेंट होती है। तो इनॉर्मस कह सकते हैं, तो असाधारण, इनॉर्मस क्या कहलाता है, प्रोडिजियस। बच्चों प्रोडिजियस वर्ड बनाया गया है प्रोडिजी से। प्रोडिजी का मतलब होता है एक्सट्रीमली, ई एक्स टी आर ई एम ई एल वाई, एक्सट्रीमली टैलेंटेड चाइल्ड, टैलेंटेड चाइल्ड, बहुत विद्वान बच्चा जो होता है वो प्रोडिजी कहलाता है। या प्रोडिजी का एक और मीनिंग होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ई एक्स टी आर ए ओ आर डी आई एन ए वाई, एकम्प्लिशमेंट, ए डबल सी ओ एम पी एल आई एस एच एम ई एन टी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकम्प्लिशमेंट, एकम्प्लिशमेंट का उपलब्धि, एक बहुत ही असाधारण उपलब्धि कहलाती है प्रोडिजी। तो जो प्रोडिजी और प्रोडिजन, प्रोडिजन में सिर्फ इतना फर्क है कि प्रोडिजियस एडजेक्टिव है और प्रोडिजी नाउन है। तो क्या कह लेंगे, यानी इफ यू हैव प्रोडिजियस टैलेंट, इफ यू हैव प्रोडिजियस टैलेंट देन यू विल बी कॉल अ प्रोडिजी। अगर आपके पास प्रोडिजियस टैलेंट है तो आप क्या कहलाओगे, प्रोडिजी कहलाओगे, एक्सट्रीमली टैलेंटेड चाइल्ड कहलाओगे। या जैसे सपोज इफ यू हैव अचीव समथिंग वेरी गुड, तो दैट अचीवमेंट इज कॉल्ड अ प्रोडिजी। अगर आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लिया है तो वो क्या कहलाएगा, वो अकम्प्लिशमेंट कहलाता है प्रोडिजी। अगला वर्ड है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है, मतलब धर्म से कोई सरोकार न रखना। इसका मतलब होता है हैविंग नथिंग टू डू विद रिलीजन आर ई एल आई जी आई एन, हैविंग नथिंग टू डू विद रिलीजन, धर्म से कोई मतलब ना रखना। या कह सकते हैं इररिवरेंट, आई डबल आर ई वी ई आर ई एन टी, इररिवरेंट कहते हैं। इसका एक और मीनिंग कह सकते हैं ब्लास्फेमस, क्या कहलाएगा, ब्लास्फेमस, बी एल ए एस पी एच ई एम ओ यू एस। तो बच्चों ब्लास्फेमस होता है ईश्वर की निंदा करने वाला, धर्म से कोई मतलब न रखने वाला। इररिवरेंट बनाया गया रिवरेंट से, रिवरेंट सम्मानित होता है, इररिवरेंट असम्मानित व्यक्ति कहलाता है प्रोफेन कहलाता है। प्रोफेन आपका एडजेक्टिव है और इसका नाउन बन जाता है प्रोफेंटी। जैसे इफ यू हैव प्रोफेंटी देन यू विल बी कॉल अ प्रोफेन पर्सन। अगर आपके पास प्रोफेंटी है तो आप क्या कहलाओगे, प्रोफेन कहलाएगा। यानी कि वन हु abuses the holy persons, one who insult the religious people, he is called a profane। जो धार्मिक व्यक्तियों की निंदा करता है, ईश्वर निंदा करता है, क्या कहलाएगा, profane कहलाएगा। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है profess। profess का मतलब होता है declare, d e c l a r e, declare करना। या कह सकते हैं announce करना, a double n o u n c e। या कह सकते हैं प्रोक्लेम करना, पी आर ओ सी एल ए आई एम, प्रोक्लेम करना। तो डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, प्रोक्लेम करना, घोषित करना होता है, प्रोफेस करना होता है। अब देखिए प्रोफेस का एक और कह सकते हैं अवाउ कर देना, ए
वी ओ डब्ल्यू अबाउ करते हैं। बनाया कैसे गया? प्रोमिस होता है पहले, फेस मिस कहना, टू से समथिंग इन एडवांस, कुछ पहले कह देना, अनाउंस करना, डिक्लेयर करना होगा। जैसे टुडे अवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिक्लेयर्ड या प्रोफेस्ड लॉकडाउन टिल 3 सितंबर, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया। तो ये होता है अनाउंस करना, होता होता है प्रोफेस करना। कह सकते हैं आई एम प्रोफेसिंग दैट इफ यू लर्न दीज वर्ड्स इफ यू लर्न दीज गुड वर्ड्स यू विल एक्वायर गुड मार्क्स। तो क्या कैसे यूज करेंगे? आई प्रोफेस दैट इफ यू लर्न दीज वर्ड्स यू विल एक्वायर गुड मार्क्स। अगर आप इन शब्दों को सीखोगे तो अच्छे मार्क्स लाओगे। मैं प्रोफेस कर रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं, घोषित कर रहा हूं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है बहुत ही दक्ष या कुशल, ये कह सकते हैं स्किलफुल, एस के आई एल एफ यू एल, स्किलफुल कहलाता है, दक्ष कहलाता है, वेरी गुड कहलाता है, प्रोफिशिएंट बहुत ही कुशल, अच्छा, ये कह सकते हैं कि बहुत ही असाधारण क्षमता रखने वाला व्यक्ति प्रोफिशिएंट कहलाता है। यानी कि वन हु इज डेक्स्ट्रस कह सकते हैं, जो डेक्स्ट्रस है, स्किलफुल है, गुड है, बहुत बढ़िया है, वो क्या कहलाएगा? प्रोफिशिएंट। ये कह सकते हैं इसका मतलब एक और होता है मोस्ट कॉम्पिटेंट। बहुत कॉम्पिटेंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉम्पिटेंट, स्किलफुल, वेरी गुड कहलाता है प्रोफिशिएंट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से स्पीच देता है तो हम क्या बोलेंगे? ही इज अ प्रोफिशिएंट स्पीकर। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छे हो तो हम क्या कहेंगे? यू आर अ प्रोफिशिएंट स्टूडेंट। अगर कोई टीचर बहुत अच्छी वोकैबुलरी पढ़ा लेता है तो क्या कहेगा, कहलाएगा? ही इज कॉल्ड अ प्रोफिशिएंट टीचर। तो प्रोफिशिएंट होता है स्किलफुल या होशियार। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंटली, EXTRAVAGANTLY, एक्स्ट्रावेगेंटली बैसफुल। अब देखिए प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंटली बैसफुल, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची, और एक प्रोडिगल था, और प्रोडिगल का मतलब था वेस्टफुली एक्स्ट्रावेगेंट। देखिए दोनों में बहुत थोड़ा फर्क है। प्रोडिगल इंसान वह होता है जो पैसे को बर्बाद करता है, और प्रोफ्लिगेट मतलब होता है जो फिजूल खर्ची करता है, बाद में बर्बाद हो जाता है। यह फर्क एक और होता है, प्रोफ्लिगेट जो होता है ये इमोरल वर्सन होता है। जैसे अगर आप इमोरली कोई चीजें खर्च कर रहे हो, जैसे सपोज एग्जांपल ले, हमारा मोरल कहता है कि हमें फ्यूल को सीमित ढंग से खर्च करना चाहिए, लेकिन आप फ्यूल बर्बाद कर रहे हो। आप अपनी कार को यूं ही स्टार्ट छोड़ देते हो एक घंटे तक और ऑफिस में बैठे रहते हो, तो आप कह रहा होगे यू आर ए प्रोफ्लिगेट पर्सन। और प्रोडिगल क्या होता है कि जैसे जो इंसान पैसे, जैसे जिसके पास अगर 10 रुपया है, 10 रुपया बर्बाद कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो ही इज अ प्रोडिगल। तो इस तरह से फ्यूल खर्ची करने वाला प्रोडिगल कहलाता है, और इमोरली खर्च करने वाला क्या कहलाता है? प्रोफ्लिगेट कहलाता है। जैसे इफ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ फ्यूल विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स फ्यूचर, देन यू आर अ प्रोफ्लिगेट पर्सन। ये होता है प्रोफ्लिगेट करना, मतलब कह सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंटली वेस्टफुल बन जाना। जैसे अगर हम घर में पानी को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? आई विल बी रिगार्डेड अ प्रोफ्लिगेट पर्सन। तो इमोरली चीजों को खर्च करने वाला प्रोफ्लिगेट कहलाता है। और आइए बच्चों बात करते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट वर्ड की। अगला वर्ड आपका है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। और पता है ये प्रोफाउंड जो है कई सेंस में लगाते हैं। जैसे अगर किसी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है तो प्रोफाउंड नॉलेज, किसी के पास अगर बहुत ज्यादा
कहीं पर बहुत ज्यादा पानी है, प्रोफाउंड वाटर। तो प्रोफाउंड होता है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, किसी सेंस में प्रोफाउंड कहलाता है। जैसे इफ यू हैव प्रोफाउंड नॉलेज, इफ यू हैव डीप नॉलेज, यू हैव प्रोफाउंड नॉलेज। इफ देयर इज अ डीप वाटर, दैट इज अ प्रोफाउंड वाटर। और प्रोफाउंड का नाउन बन जाता है बच्चों प्रोफंडिटी। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मुझे पूरा यकीन है आपने इन सारे वर्ड्स का रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसको यूज कैसे करेंगे, सब कुछ अच्छे से सीखा होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बहुत अगर आपको और अपने इस पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक इस वीडियो में रुके हुए हो, इसका मतलब यू आर वेरी सीरियस, यू आर वेरी इंटरेस्टेड फॉर वोकैबुलरी, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।